यहाँ पर फाइव नंबर, यहाँ देखिए दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू में 1/2, कॉस बी इक्वल टू में 12/13, और यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि ए लाई कर रहा है पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू से पाई के बीच, यानी कि कहने का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ए लाई करता है, एंड बी जो लाई कर रहा है 3π/2 से 2π के बीच, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि ए लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बी लाई इन द किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बी, तो बी लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ टेन ए माइनस बी के लिए वैल्यू निकालना है, तो टेन ए माइनस बी के लिए हमें टेन ए और टेन बी की जरूरत होगी, टेन ए और टेन बी की जरूरत होगी। तो दो तरीके से, या तो आप इस साइन ए से कॉस ए निकाल लो, कॉस बी से साइन बी निकाल लो, और फिर साइन बाई कॉस करके हम लोग टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल लिख के भी, जैसे हम लोग अभी देखे पिछले क्वेश्चन में, उस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। दोनों मेथड है जिससे आपको इजी लगे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके लिए यहाँ पर देखते हैं, साइन ए हमारे पास 1/2 है, तो अगर मैं कहूँ कि आप कॉस ए निकालो, मैं साइन बाई कॉस करके यहाँ निकालता हूँ, कॉस ए निकालो, तो कॉस ए की बात करें तो ए लाई कर रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव होगा रूट अंडर 1 - का sin² a, यानी माइनस रूट अंडर 1 - sin a का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर, माइनस रूट अंडर 1 - का 1/4, माइनस रूट अंडर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4 - का 1, यानी माइनस रूट अंडर 3/4, यानी आ जाएगा माइनस का √3/2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कॉस बी है, तो हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं साइन बी के लिए। तो साइन की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा, तो रूट अंडर 1 - का cos² b हो जाएगा, यानी माइनस रूट अंडर 1 - का 12/13 का स्क्वायर, माइनस रूट अंडर 1 - का 144/169, अंदर एलसीएम ले लेंगे तो अंदर एलसीएम हो जाएगा यहाँ 169, आ जाएगा 169 - का 144, यानी आ जाएगा माइनस का रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा 25 और बाई में 169, यानी आ जाएगा माइनस का 5/13। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस ए और साइन बी हमने निकाल दिया, अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अगर बात करें टेन ए के लिए, तो टेन ए का वैल्यू साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, साइन ए बाई में कॉस ए, तो साइन ए का वैल्यू 1/2 था और कॉस ए का वैल्यू यहाँ है माइनस का √3/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का 1/√3 हो जाएगा। अच्छा, टेन बी के वैल्यू की बात करें तो इसे साइन बी और बाई में कॉस बी लिख सकते हैं, तो साइन बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस का 5/13, और कॉस बी का वैल्यू कितना है, तो कॉस बी का वैल्यू हमारे पास ऊपर दिया हुआ था 12/13 हटा देंगे, माइनस का 5/12 आ जाएगा। तो अब अगर हमें यहाँ निकालना है टेन ए माइनस बी के लिए, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टेन ए माइनस का टेन बी बाई में 1 + tan a (tan b). चलिए अब यहाँ वैल्यूज को रखते हैं, टेन ए का वैल्यू है -1/√3, माइनस टेन बी का वैल्यू है तो माइनस का 5/12, और बाई में नीचे देखिए यहाँ पर हो जाएगा नीचे 1 + -1/√3 और इंटू में -5/12। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ऊपर देखिए आपका -1/√3 और प्लस का 5/12 हो जाएगा, और नीचे 1 + 5/12√3। चलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ऊपर ले लेते हैं 12√3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इसमें से डिवाइड करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, 12 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे 2√3 बढ़ जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 5√3 हो जाएगा, नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 12√3, यहाँ पर आ जाएगा 12√3 और प्लस का 5, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर आपका 5√3 - 12 और नीचे हो जाएगा आपका
12 रूट 3 प्लस का 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन